अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और दिन भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैंने आज घर पे कुरान खानी करवानी है, तो मैंने बच्चों को बुलाया है, वो सिपारे पढ़ेंगे और मैं उनको एक चाय वाय बस पिला दूँगी और घर पे ख़त्म करूँगी, ताकि अल्लाह पाक हर तरफ बरकतें डाले, हर किस्म की बीमारियों से, आफतों से सबको महफूज रखे। मैं यहाँ पर अकेली होती हूँ तो मैं ख़त्म तो करती रहती हूँ, कुरान की तिलावत भी करती हूँ, लेकिन मैं डेली डेली ज़्यादा नहीं पढ़ सकती क्योंकि हर टाइम सलार मेरे पास होता है। तो मैंने कहा है कि मैं बच्चों को बुलाकर उनके साथ मिलकर पढ़ लूँ ताकि ख़त्म कुरान हो सके, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने करवाते हैं। लेकिन ये है कि इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग भी शेयर कर लूँ। तो ये देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और अभी मैं चलती हूँ अंदर, तो मैं इस तरह करती हूँ कि मैं उनके लिए पकौड़े थोड़े से घर पे बना लूँगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाहर से मंगवा लेंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए मैं सिंपल सी रेसिपी फॉलो करूँगी, जो आपके साथ भी शेयर पहले भी शायद की है, अभी फिर करूँगी। सबसे पहले ले लेंगे बेसन, और बेसन में जो जो चीज़ें डालनी है मैं आपको बताती हूँ। और जिब्रान जो है वो इतना नोटी है, मोबाइल लेकर कुछ भी कर रही है, देखें ज़रा अपने लिए पिक्चर्स ले रहे हैं। अच्छा जी, तो ये ले लेंगे बेसन जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना हम लोगों ने पकौड़े बनाने हैं। मैंने तकरीबन 3 बड़े आलू के बनाने हैं और मैं ये बेसन ले लिया है। अभी इसमें मैं डालूंगी मसाला, जो रेडीमेड मसाला आता है पकौड़ों का या कबाब का, जिसमें सारा कुछ मिक्स होता है, जैसे लाल मिर्च और धनिया, पुदीना, अनारदाना, जो जो भी मसाले हैं साबुत और कुटे हुए, वो सारे इसमें मिक्स होते हैं। तो वो मैं जल्दी से इसमें मिक्स कर दूँगी और बिल्कुल स्मूथ सा एक बैटर तैयार कर लूँगी पकौड़ों के लिए बेसन का। इसको साइड पर रखेंगे, फिर हम जिस वक्त बनाएंगे उस वक्त फिर दोबारा से थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। और जिब्रान मेरे पास बैठा हुआ है, वो बार बार मुझे कहता है कि मुझे दे दो। ये देखिए बेसन का बैटर तैयार हो गया है और इसको भी हम साइड पर रख देंगे। साथ में भी हम आलू लेके आलू को अच्छी तरह धोकर उसको फिर छिलेंगे, और छिलके के साथ ही आप अच्छी तरह धो लें तो छिलके के साथ ही इसको बारीक बारीक हम पकौड़े की शेप में काट देंगे। मैं ये यहाँ पे ये कटर से निकाल रही हूँ, इसके बारीक बारीक पकौड़े निकालेंगे। ये देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सर कितने बारीक बारीक निकले हैं, जो बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। अगर आपको ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए तो आप नाइफ़ की मदद से, छुरी की मदद से थोड़े से बड़े बड़े भी काट सकते हैं। ये जिब्रान को फाइनली अपना शौक चढ़ गया, वो कहते कि मैं इसको मिक्स करूँगा, मैंने दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा मिक्स कर लो। और यहाँ पर जब मैंने सारे वो काट दिए हैं, आलू निकाल दिए हैं, तो एक हम बड़े परात में पानी ले लेंगे। आपको अगर आपके पकौड़े कम हैं तो आप छोटे बाउल में भी ले लें, मेरे पास तो ज़्यादा थे तो मैंने इसमें ज़्यादा पानी ले लिया। और उसमें ये आलू को हम अच्छी तरह भिगो के रख देंगे ताकि इसका जो ये थोड़ा सा मीठा पानी होता है वो भी चला जाए और ये इसका कलर ख़राब ना हो और ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बने। और यहाँ पर बच्चे आ गए हैं सिपारा पढ़ने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म स्टार्ट है। मैं जल्दी से यहाँ पर पकौड़े बना लूँगी, और ये देखिए बस मैं बेसन में हल्के हल्के डिप करके इस तरह करूँगी कि ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े हमारे अच्छे से बन सके। ये अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। बाकी चीज़ें जो चाय की हैं वो भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर बच्चे देखिए सिपारा पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर किस्म की मुसीबत और आफत और बीमारियों से सबको अमन में रखे। ये देखिए थोड़े से पकौड़ों पर मैंने लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया है कि थोड़े से स्पाइसी बने। वो जो पहला वाला है वो मैंने चेक किया, वो बिल्कुल सिंपल थे। तो यहाँ पर चाय रख दिए हैं, पत्ती डाल देंगे और चाय यहाँ पर उबलेगी और मैं बाकी चीज़ें तैयार करूँगी। बस कामरान भी आ गए हैं, बच्चे खड़े हो गए थे, वो अभी बैठ के दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं और बच्चों को फिर चाय देते हैं, चाय सर्व करेंगे। अजान हो रही है, साथ में दुआ भी हो रही है। अल्लाह ताला सब की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, हर किस्म की बीमारियों से बचाए, जिनके भी जितने मुश्किलात बंद रास्ते हैं अल्लाह ताला सारे खोल दे और खैर खैरियत से सबके मसले हल हो जाएँ, जितने भी बीमार हैं उनको अल्लाह शिफा दे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआ की, हम सब भी इसमें शरीक हुए।
चलिए जी, बस यहाँ पर तो बच्चे चाय पियेंगे, साथ में हम भी पियेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ या एक नई जगह के साथ। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखे, अपना ख्याल रखे, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के कुरान पाक की तिलावत करे, ख़त्म करे, दुआएं करे सबके लिए, और नमाज की पाबंदी करे। तो अल्लाह ताला हम सबको अजर दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।